समीर वानखेड़े अपनी आय से अधिक संपत्ति करने के आरोप में सीबीआई की जांच के दायरे में हैं। इधर सीबीआई ने वानखेड़े पर दावा किया है कि आर्यन खान के जरिए समीर वानखेड़े एंड कंपनी शाहरुख खान से 18 करोड़ रुपए वसूलने की तैयारी में थे, जबकि रिश्वत तो 25 करोड़ की मांगी गई थी लेकिन बात 18 करोड़ में बनी थी। अब इन आरोपों को देखते हुए ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति और खराब होने वाली है। सीबीआई का दावा है कि वसूली की रकम 25 करोड़ से 18 करोड़ रुपए में तय हो गई थी, जिसमें से 50 लाख रुपए तो शाहरुख की मैनेजर पूजा से भी ले लिए गए थे। हालांकि तब महाराष्ट्र के तत्कालीन मंत्री नवाब मलिक ने भी समीर वानखेड़े पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के कई आरोप लगाए थे। मई 2022 में एनसीबी को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में एसआईटी ने वानखेड़े की कई विदेशी यात्राओं और उपहारों की ओर इशारा किया था, जिससे यह साबित हुआ कि उन्होंने सेवा नियमों का उल्लंघन किया। एसआईटी को पता चला कि समीर वानखेड़े ने मुंबई के निवासी अपने दोस्त विराज राजन से 5.59 लाख रुपए उधार लिए थे। वानखेड़े ने माना भी था कि उन्होंने 2019 में मालदीव में छुट्टी मनाने के लिए कर्ज लिया था। बाद में पुष्टि भी की गई थी कि वानखेड़े और उनकी कलाकार पत्नी क्रांति रेडकर ने मालदीव की यात्रा की थी, तब वो ताज एक्सोटिका होटल में रुके थे। वहीं घड़ियों को लेकर भी एक खुलासा हुआ है। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि समीर वानखेड़े ने किन्हीं अज्ञात कारणों से विराज राजन को 4 महंगी घड़ियां कम कीमतों पर बेची थीं। एसआईटी के मुताबिक जिसमें पहली है कार्टियर घड़ी, जिसकी मूल कीमत है 10,60,000 रुपए, वहीं उसे बेचा गया है 6,40,000 रुपए में, और दूसरी है टैग ह्यूअर घड़ी, जिसकी असली कीमत है 1,68,000 रुपए, वहीं उसे बेचा गया है 40,000 रुपए में। तीसरी भी है टैग ह्यूअर घड़ी ही, और इसकी असली कीमत है 1,10,000 रुपए, वहीं से बेचा गया है 30,000 रुपए में। अब बात करेंगे अगर चौथी घड़ी की, तो उसका नाम है ओमेगा और उसकी असली कीमत है 1,00,000 रुपए, वहीं उसे बेचा गया है 30,000 रुपए में। एसआईटी ने जांच में पाया कि समीर वानखेड़े ने 2018 में 17.40 लाख रुपए में एक रोलेक्स घड़ी खरीदी थी, जबकि उन्होंने दावा किया था कि रेडकर ने उन्हें घड़ी उपहार में दी थी। एसआईटी ने जब रेडकर के 3 साल के आयकर रिटर्न की जांच की तो पाया कि इस दौरान उनकी आय 21 लाख रुपए थी। एसआईटी ने यह भी पाया कि वानखेड़े ने बिना सूचना के 2 विदेशी यात्राएं की थी, जिन यात्राओं में 29.75 लाख रुपए खर्च किए थे, जबकि उनकी संयुक्त आय 45 लाख रुपए ही थी। हालांकि मुंबई पुलिस के एक सूत्र के अनुसार सीबीआई को अदालत में समीर वानखेड़े के खिलाफ रिश्वत के आरोप को साबित करने में मुश्किल हो सकती है, क्योंकि ये आरोप गॉसिप पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News24।